ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಿಕೆಡ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಯೂಸುಫ್ ಸೌದಾಗರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೇಟ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. सर, आपके लिए सबसे पहली बात मैं आपको एक पहला सवाल करना चाहता हूँ. हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको सवाल किया जा रहा है कि आप सोशल वर्क और ये समाज सेवा जो आपने स्टार्ट किया था, सबसे पहली मरतबा आप कब और कैसे प्रवेश किया सर इसमें? नानू यूसुफ सौदागर ग्राम पंचायत मेम्बर हल्ली नानू कन्नड़ी मतलब सरी अंदर नम देश गुत सोशल वर्क और समाज सेवा कब से और कैसे जुड़े आप? देखो, मेरा एजुकेशन है ना, 1992 में मैं जब पीसी था जी, तो तब मैं फॉर में बीकॉम एडमिशन लिया जी सर. बीकॉम एडमिशन लेने के बाद मुझे हमारे फैमिली की तरफ से प्रेशर आया कि कोई पूरी फैमिली हमारे बिजनेस से जी उस वजह से मुझे फार्मेसी में एडमिशन किया गया. अच्छा अच्छा. शुरू से मैं इंटरेस्ट हूँ कि पॉलिटिकल में, यानी लोगों की खिदमत करें, सोशल वर्क करने की इसमें था मैं. आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि सोशल वर्क करूँ, लेकिन आपका डिफार्मा हो चुका है जी. मैं बाद में क्या हो गया, हमारे फैमिली प्रेशर में आया कि मैं डिफार्मेसी करना पड़ा जी 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 जी. तो जब मैं फार्मेसी करा कम्प्लीट होने के बाद जी, फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद जब मैं गांव में आया जी, तो वहाँ से मेरे को शुरू से ख्वाहिश थी. आपने फार्मेसी की जो शुरू ये किए थे, तालीम हासिल किए कहाँ पे हासिल किए थे? मैं गुलबर्गा एच के में हासिल किया. यहाँ से गुलबर्गा जो करीबन डिस्ट्रिक्ट है जी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्गा. मैं हलीखेड़े गाँव में मैं बहुत कम वक्त गुजारा हूँ जी 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 जी. जब मैं प्राइमरी स्कूल से हुमनाबाद जाता था डेली अपॉइंट में जी, अब टू SSLC हुमनाबाद हो गया मेरा रामायण राज हाई स्कूल जी. उसके बाद PC मैं गुलबर्गा SB कॉलेज में किया जी. उसके बाद PC होने के बाद मैं सेकेंड ईयर होने के बाद BCOM किया एक साल फर्स्ट. अच्छा अच्छा अच्छा. उसके बाद हमारे फैमिली में बोले नहीं, ऐसा बिजनेस रिलेटेड फैमिली है हमारी ज़्यादा जी. बिल्कुल. उस वजह से मुझे बीफार्मेसी करना पड़ा. हाँ वैसे तो प्रोफेशनल कोई कोर्स की ख्वाहिश थी मेरी जी, इंजीनियरिंग मेडिकल. अच्छा. एक साल मैं तुमकुर में कोचिंग भी लिया PC में. अच्छा. आप तुमकुर भी गए जी? जी. वहाँ पर तो DH रोड पे था मैं, सबसे एजुकेशन सबसे टॉप है वहाँ, वहीं पर बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह. जो मेरा रूममेट था गुलबर्गे में, संजय ब्रदर बोल के, MBBS सीट लगी थी, मैं एक साल रिजेक्ट किया था जी. तो वहाँ पर मैं एक साल नियरली अबाउट तो सिक्स मंथ्स टू ट्वेल्व मंथ्स तक मैं ट्रेनिंग लिया वहाँ पर जी. तो वहाँ से मैं तब आया यहाँ पर. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से मेरे दिल में ये थे कि लोगों के काम आए जी. बिल्कुल. लोगों की सेवा करें. हाँ. उनकी तकलीफों को दूर करें या परेशानियों को हल करें. हाँ. तो उस वजह से मेरे लक इसमें थे, शायद मैं फार्मेसी करना पड़ा मुझे. उसके जरिए भी लोगों की खिदमत बहुत होती है जी. ऐसा वक्त आया कि मुझे फार्मेसी करना पड़ा. फार्मेसी जैसा मेरा मुकम्मल हुई, मैं गाँव आया. गाँव आने के बाद मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियन से रिलेशन रखने वाले थे जी. तो मुझे भी वही इंटरेस्ट था. वैसे तो मैं शुरू से रैंक स्टूडेंट हूँ जी. जी, अल्लाह का अच्छी तरह से बड़ा एहसान है जी. शुरू से मैं इंग्लिश मीडियम और रैंक स्टूडेंट था. उसमें फ्रेंड सर्कल और मुझे जैसा जैसा मैं, सबसे ज़्यादा खुशी की बात हमें यह है कि आप जैसे जब क्वालिटी पर्सनस, यानी कि एक एजुकेशन वेल एजुकेशन एजुकेटेड पर्सनस जब राजकीय में आएंगे, हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा. क्योंकि ये मेरी ही नहीं बल्कि सारे पब्लिक की राय भी है और हम लोग चाहते भी हैं कि आजकल के पॉलिटिशियंस, आपने भी देखा होगा सुना होगा उनके बारे में, कुछ पढ़े लिखे नहीं रहते, बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं. अब इसमें क्या होती है, अक्सर लोगों में डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस बहुत कम आ जाती है.
मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मत ये है जो मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। जी जी, तो यहाँ तक के बात आगे रुकी थी। मैं जब अलीगढ़ आया यहाँ पर, आने के बाद मुझे सब हमारे फ्रेंड सर्कल या पूरे लोगों के जैसा कोई भी काम काज में जाना आना मुझे बहुत दिलचस्पी शुरू। जी बिल्कुल, घर के लिए वक्त बहुत कम दिया हूँ शुरू से। अच्छा अच्छा अच्छा, एजुकेशन से भी अब तक भी हूँ। आपने जैसा कि आपने बताया 1995 जो हमें याद है 1995 से आप सोशल वर्क में आए हुए हैं, यानी स्टार्ट ही आप 1995 से किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर सर्वे करेंगे 2010 के बीच में, आज आप एक ग्राम पंचायत मेंबर भी हैं, 2010 के पीरियड में यानी 1992 से शायद 1992-1993 से आप सोशल वर्क में आए हुए हैं, करीबन एक 7 साल या ऐसा अरसा गुजर चुका है। 2007 एक 17 साल का अरसा गुजर चुका है आप टोटल सोशल वर्क में। इसके बीच आप पॉलिटिशियन में क्यों नहीं आए? देखो, मैं पब्लिक के बीच में तो शुरू से हूँ जी, तकरीबन लोग मुझे जानते थे नहीं अलीगढ़ में जी, मतलब मैं नहीं जानता था वो लोग मुझे जानते थे, फलाने इनका लड़का जी, जी जी ऐसा था रिलेशन जी। तो मैं ऐसा जाता था कि वो मेरे से कुछ उनको फ़ायदा मिले, जहाँ भी कुछ भी फंक्शन है, शादी है कि गरीब का है, कोई पानी का समस्या है, कोई किसी का नाली का है, किसी का रोड का है, तो मेरे रिलेशन जो भी है मेरे पॉलिटिशियंस दोस्तों से। सोशल वर्क किस तरह से करते आए कि जितने भी गौर गुरबा आपके जो क्षेत्र में है, जैसा कि अलीगढ़ बी जो आपका ग्राम है, यहाँ पे बहुत अनएजुकेटेड पर्सन थे पहले, आज तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे एजुकेशन में आ चुके हैं, अभी की न्यू जनरेशन तो पूरे एजुकेटेड पर्सन हैं, ऑलमोस्ट शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन वैसे दौर में आप गौर गुरबाओं की सेवा करते आए हैं। ऑलरेडी मुझे, मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको, मुझे शुरू से लोग प्रपोज करे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन करो आप, ये करो ये करो, थोड़ा मुझे ओवर करने का मुझे अच्छा नहीं लगता था। राजकीय में आना मतलब वो, नहीं। हाँ, ऐसा के पॉलिटिशियन में आना जरूरी नहीं, बन के सेवा करना बोल के ऐसा कुछ ये नहीं था मेरे, या तो ख्वाहिश भी नहीं, सोशल वर्क करना मुझे इंटरेस्ट था, बस इसके खातिर नहीं आए थे, पॉलिटिकल कैरियर में नहीं करते थे। लेकिन आपने जैसा कि बताया लोगों की बहुत सारी सेवाएं की हैं, मसलन आपने जो बताया गरीबों गुरबा की शादियां वगैरह जो की हैं, ऐसे कितने प्रोग्राम्स आपको सोशल वर्क में आपके जो फील्ड में करते आए? गोल गरीबा का तो किए, और उसके अलावा जो मजहबी है रिलीजियस, यानी हमारे दोस्त हिंदू है, हर कास्ट जो रिलीजियस है, लोग हैं जो त्यौहार आते हैं, ईद बरात जो भी चीज़ आते हैं सब मिलजुल के करते हैं, ईद हो जी या कोई दीपावली की ईद हो, दीपावली है, मिलादुन नबी है, गणेश है, क्रिसमस है, और अंबेडकर जयंती, जैसे पूरे जितने भी जितने रिलीजियस के जो ईद आते थे सभी मिल के हम मनाते थे, सब में इन्वॉल्वमेंट करते थे, आप इन्वॉल्व करके काम किए हैं, उनको डोनेशन वगैरह भी कुछ आपसे दिया है? नहीं, हाथ से जितना हो सके उतना डोनेट करके हम उनको हेल्प करते हैं, हेल्प किया। अच्छी बात है, जैसा कि आपने बताया गरीब बच्चों की शादियों में भी आप बहुत हिस्सा लेते, काम मिलजुल के किया करते थे, और यहाँ से एक मुस्लिम कैटेगरीज में एक खतने का प्रोग्राम ऐसा वगैरह होता है, ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह आपने कराए? वो तो कराए बहुत, लेकिन बोलना मुझे मुनासिब नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे मैं ये सवाल आपको रखना चाहता हूँ, ये सब आप अपने वन फंड से किए हैं या लोगों से कहीं इकट्ठा करके किए, या दोस्त आपसे जमा करके किए, या आपके अपने पर्सनल फंडों से लोगों की खिदमत की है? मैं जो हेल्प किया हूँ जी, मतलब उसमें कैटेगरी है जी, जैसा लोग से फंड जमा करके करना काम, वो काम को अलग, यानी ज्यादा पैमाने पर अगर करना है तो लोगों से फंड जमा करके, लोगों से करना है, वो कैटेगरी अलग है जी बिल्कुल, जिसको पर्सनली जो हेल्प हो सकता है मेरे से जो किया, मैं किया हूँ, यानी वो भी किए हैं ये भी किए हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। 2010 की तरफ मैं जरा तवज्जो देना चाहता हूँ, 2010 के इलेक्शन में आपने एक अच्छे बहुमत से जीते हैं आपके एरिया में, जहाँ तक हमारी सर्वे के मुताबिक यहाँ के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, क्यों? हमने लोगों से चंद बारे में आपकी बातचीत की, तो सबसे पहले माइनॉरिटीज़ की जब बात आती है, क्योंकि अलीगढ़ भी को जब हम दाखिल हुए वहाँ पे अक्सर लोग कहने लगे कि अगर पहले किसी से मिलना है तो आपसे मिलो, ताकि माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट की बात आती है तो वो सबसे सामने खड़े हुए रहते हैं। अच्छा, ये माइनॉरिटीज़ के लिए हो या आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए, जनरल पर्सन के लिए हो, जनरल लोगों के लिए हो, 2010 के इलेक्शन से जीतने के बाद आप आज तक, यानी कि 5 साल आपके हाथ में सरकार मिल चुकी है, सीधी सी बात है, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत जब मेंबर बनाया जाता है, ये टोटल आपके जितने ग्राम के आपके जो वार्ड
आपके वाइज बढ़ जाता है तो वहाँ के आपको एक सरकार दिया जाता है, वहाँ के गवर्नमेंट आप बन जाते हैं। जी सीधी सी बात है। तो इस वार्ड में आपके अपने गवर्नमेंट से निकली हुई स्कीम के तहत हो या आपके अपने सोच के तहत हो, क्या क्या अभिवृद्धि किया है, यानी क्या क्या डेवलपमेंट लाए है, या हमें विस्तार से थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों? जी मैं बता सकता हूँ आपको। 2010 में जब मैं इलेक्ट हुआ जी, तब से आज 2015 जी पूरे 5 साल मुकम्मिल होने को आ गया है। दो महीने मुकम्मिल होने आया मेरा, वो हमारा ग्रेड एंड होने को आया जी, 1 महीना 2 महीना बचा है बस। तकरीबन काम करवाए हमने जी, जैसे कि फर्स्ट पानी का इंतजाम किया। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी है और रोड है। किस तरह से आप पानी की समस्या हल किए? हमारे पास तकरीबन 4 से 5 हैंडपम्प थे, बोरवेल्स जी, उसको हमने हैंडपम्प के लिए निकाल कर सिंगल पावर सिंगल फेस की मोटर बैठाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चले, ऐसे वो मशीनरी बैठाए उसको जी। फिर सेकेंड बोले तो जो हमारे पास 3 फेस के मोटर नहीं थे, सोर्स नया 3 सोर्स मारे हमारे लिए। अच्छा जी, 3 सोर्स आपके में टोटल या आपके स्पेशल ब्लॉक में 3 सोर्स मारे, जिस पे 2 3 फेस के मोटर बैठा था जी, उसको पाइपलाइन वगैरह किया जी। और अब ऑलरेडी रिसेंटली अब जो आए हैं ना जी, अब ऑलरेडी री बोर्ड चल रहा है वहाँ पर, जो 450 फीट बोर्ड थी जी, मैंने सुना भी है, देखा भी है। अभी मैं आप वहाँ पे काम पे थे तो हम लोग आपको लेके आके हमें सवालत की गोछड़ कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके जो कामकाज के बारे में है लोगों को भी पता चले, ताकि आने वाले चुनाव में ही सही आप जैसे काबिल लोग आगे आके करेंगे तो हमारे देश का भविष्य बढ़ेगा, ये सोच लेके मैंने आप तक पहुँचना चाहा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसे लोग सामने आए, भले ग्राम पंचायत की बात हो या ताल्लुक की हो, जिला पंचायत की हो या काउंसलर हो, कॉर्पोरेटर, MLA, मिनिस्टर तक भी, हम लोग चाहते हैं कि एक एजुकेटेड एंड टैलेंटेड पर्सन सामने आए ताकि फलाह बहबूदी में डेवलपमेंट आए। अच्छी बात है। तो आप लोग जो पानी की समस्या, अब तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप आपके क्षेत्र में माशाल्लाह इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम, पानी का पूरा दौर से खत्म हो गया। अच्छा, रास्तों के लिए आपने कुछ काम किया? जी मैंने हमारे ब्लॉक में और हमारे ब्लॉक दूसरे ब्लॉक्स में भी तकरीबन काम किए हैं। जिस तरह से कैसे कैसे हैं हमारे पास वाल्मीकि खुशियाली साहब आई है, सॉरी हमारे पाशा खादरी के घर से वाल्मीकि कट्टे तक सीसी। अच्छा अच्छा, पाशा खान साहब के वाल्मीकि के सर्कल तक, सर्कल तक अम्बेडकर सर्कल के पीछे से ड्रेन से लेके पूरा समर्थ भगवान के घर तक। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा की कृषि कॉम्प्लेक्स से लेकर हनीफ भगवान के घर तक रोड बनाया है। अच्छा, सीमेंट रोड बनाया, सीसी रोड बनाया है। अच्छा अच्छा, और पाइपलाइन किए हैं जैसा की वाटर गली में जी, वाटर गली से लेकर आजा मियाँ भालकी के घर सीसी रोड बनाया है, जो तालुक पंचायत भी है। जी जी जी, आजा मियाँ भालकी बोल के और जैसा SC वार्ड में है जी, SC वार्ड में देखिए वहाँ पर कॉमनवेल्थ जो बोली आती है ना जी, बोली से मेन रोड तक वहाँ पर SC वार्ड में। अच्छा, अभी के वार्ड में हमारे वार्ड में वहाँ पर जैसा आंगनवाड़ी है, जो आंगनवाड़ी सेंक्शन करने लगा है ये। अच्छा, आपके एरिया में कितने आंगनवाड़ी आपके पीरियड में नए आए? हमारे एरिया में 2 नए आंगनवाड़ी है, पहले वाले थे, पहले वाले एक थी वो बंद थी आंगनवाड़ी, उसको फिर मेंटेनेंस करके उसको चालू करा जी जी, क्योंकि आज ज़रूरत भी आंगनवाड़ी की। जी जी, ये आप एक डॉक्टर भी हैं अलहमदिल्ला, एक फार्मेसी भी किए हुए हैं, एक मेडिकल सोच रखते हैं। आजकल हमारे महिला जो गर्भवती होते हैं उनके लिए खासकर ये आंगनवाड़ी की, और ये छोटे छोटे जो बच्चे जिस घर में पैदा हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट से फूड वगैरह जो दवाइयाँ मिलती हैं वो बाहर भी नहीं मिलती हैं, तो आपके एरिया की ज़रूरत है आंगनवाड़ी की तरफ, इसकी तरफ बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये रोडों के साथ ये इसके साथ में नालियों का कुछ काम के बारे में, यानी डेवलपमेंट के लिए नालियाँ कहीं बनाए? ये हनीफेल में 4 नंबर जो ब्लॉक है हमारा जी, जो हनीफेल स्टार्ट होते फर्स्ट दरगाह से, हमेशा दरगाह से जी, वहाँ से जो फ्लोइंग वाटर आता है फुल स्पीड आता है, वो किधर जाके भी हमारे ब्लॉक को डाइवर्ट होता है। अच्छा, वो पानी है ना वो जाने के लिए हमारे पास पूरा रोड पर जाता था, तो हमारे झिट्टी मेंबर जो प्रेजेंट मानता स्वामी जो है ना, मानता स्वामी आपके जो रिसेंट झिट्टी मेंबर है, उनको मैं रिमेंड करके बड़ा ड्रेन करने के लिए एक साइड से ड्रेन और MLA साहब को बोल के CC रोड बनाने के लिए
ट्रीटमेंट करे थे हम, तो वो ऑलरेडी वो भी काम हो चुका है, ड्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे ब्लॉक में। हाँ हाँ, पूरे ड्रेनेजेस का भी काम हो गया, ड्रेनेजेस का काम। अच्छा, ये आए दिन सरकार से लेबोरेटरीज के बारे में जब मैं बात करना चाहता हूँ कि महिला लोग यानी कि जो भी औरतें हैं रास्ते पर कहीं अंधेरे में जाके अपनी शर्म के मारे अंधेरे में जाके कहीं रोडों पर टॉयलेट वगैरह कर रहे थे, तो इसके अभिवृद्धि और डेवलपमेंट के लिए सरकार से भी बहुत सारे फंडे भी निकली हैं, क्या वो स्कीम से आप फ़ायदा उठा के आपके अपने वार्ड में उन घरों में जिस जगह टॉयलेट वगैरह नहीं थी उन लोगों के पास आप किए हैं? क्योंकि ये नई स्कीम सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत वालों के लिए मिली है। निर्मल भारत कहते हैं उसको, वही तो निर्मल भारत जो स्कीम है उसमें जो सैनिटरी जो बनाने का है जी, सिफ्टी टैंक वगैरह हमारे ब्लॉक में हनीशेड में तकरीबन हो गए हैं काम। अच्छा, ऑलमोस्ट अब क्योंकि इस मरतबा ही पहली मौका मिला है आप लोगों को। हमारे ब्लॉक में नियर अबाउट 100 सेफ्टी टैंक का काम हो रहा है निर्मल भारत। अच्छा अच्छा, तकरीबन हमारे टोटली हमारे गांव में मैं समझता हूँ 400 से 500 सेफ्टी टैंक का काम हो रहा है निर्मल भारत के तहत जी। तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस मरतबा पहली मरतबा, क्योंकि पहले ZP से TP को TP से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है या कोई स्कीमें आती थी, आज तो ऐसा मौका दे दिया गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, कि डायरेक्ट ही ग्राम पंचायत को काम के बारे में मिल रही है आज, तो आप लोग खुल के भी काम करने का एक मौका भी मिल रहा है। तो चलो, ये आपके वार्ड में हो या आपके हेलीकेटरी में एजुकेशन के लिए आप कुछ, क्योंकि आप भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेशन के खातिर कोई स्कूल्स में डेवलपमेंट हो या कोई स्कूल्स में जो तालीम हासिल हो रही है बच्चों को वहाँ पे आपका जाना आना देखना, यानी कि कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चे काम वगैरह पे जा रहे हैं उनको छोड़ा के स्कूल को भेजना, क्योंकि आजकल तो सरकार से बहुत सारी फैसिलिटीज स्कूल पे भी दिया जा रहा है, ध्यान तो बहुत दिया जा रहा है, खाना पीना से लेके यूनिफॉर्म पेन बुक पेंसिल ऐसा वगैरह सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, इसके बावजूद चंद बच्चे स्कूल जाना छोड़ के यानी अपने माँ बाप उनके माँ बाप उनके भले मजबूरी होगी हज़ार भी, लेकिन ऐसे आज तादाद कम हुई है, ऐसा नहीं कि पहले की तरह अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत कम है। ऐसे जगह पर आपने जाके कुछ काम वगैरह किए हैं या करा रहे हैं स्कूल्स में हो या? हर स्कूल को हम विजिट देते हैं, ऑलमोस्ट देते हैं, ऑलमोस्ट कन्नड़ मीडियम होंगे, उर्दू मीडियम होंगे, इंग्लिश मीडियम और कोई प्राइवेट स्कूल जी, क्योंकि जो भी काम करना है हम जाके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं फर्स्ट। अच्छा, कुछ उनको तकलीफें हैं क्या, अगर हमारे पंचायत लेवल से है तो हम पंचायत लेवल से करा दें, अगर जिला पंचायत से है या तालुका पंचायत ही है या MLA साहब के पास हो सकता है काम, तो MLA पास स्कूल के जो भी काम जिससे भी वो हासिल करा डेवलपमेंट के बारे जाके उसके बारे में कोशिश करें। अगर वहाँ पर टीचर नहीं है, अगर कोई उनको अन्नभाग्य जो बच्चों को ये देते ना अन्नभाग्य किसी होटा वो और दूध का जो सीधी सी बात है इसमें तो दूध का हाल लो हन्नू जो भी ड्रेसेस वगैरह जो भी सहूलतें हैं जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है रेगुलर हम टचअप एक महीने में कम से कम एक चार दफा जाते हैं उसको। इस तरह आंगनवाड़ी में भी जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं रेगुलर आंगनवाड़ी, क्योंकि वहाँ पे जो फूड वगैरह आया जाता है वो सही तरीके से गरीबों में या आम गरीब हो या अमीर हो वो दवाइयाँ तो बाहर नहीं मिलती, वो फूड तो बाहर नहीं मिलता, उन बच्चों तक पहुँच रहा है जो उसके हकदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन जो यहाँ पर फूड सप्लाई है जो भी दूध है रेगुलर टाइम पे पहुँच रहा है आप लोग उसके बारे में जाके देखें। बहुत खुशी हुई, वक्त की कमी की नज़ाकत को समझते हुए वक्त की कमी की वजह से मैं अपने अगले सवाल की तरफ आना चाहता हूँ। मेरा दिल तो चाह रहा है कि आपसे और बहुत सारी जानकारी यहाँ से हासिल करूँ आपके ग्राम की, आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया और क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उससे रहा नहीं जा रहा है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दो महीना या डेढ़ महीने का अवधि बची हुई है आपकी सरकार यानी आपके जो गवर्नमेंट आपके हाथ से छीनने वाली है, इसके मरतबा इस दोबारा भी आप इलेक्शन कलेक्ट कुछ करना चाहेंगे? इंशाल्लाह वो तो वक्त ही बताएगा तो है। हाँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोग सुने हैं किसी के 5 साल की अवधि में पूरा काम मुकम्मल नहीं हो पाता, किसी शख्स के लिए कोई भी हो भले वो प्राइम मिनिस्टर हो या ग्राम पंचायती मेंबर हो, इनके लिए कम से कम एक 10 साल की अवधि चाहिए कुछ काम। आपने भी जो विजन लेके निकला था, जो काम करने का इरादा लेके निकला था, क्या उसको पूरा मुकम्मल हो गया या कर दिया या और कुछ करना बाकी है? बहुत कुछ करना बाकी है। आपको चाहिए कि अगर दोबारा से आप लोगों को ये, और वैसे भी तो हमको 15 साल का तजुर्बा था इसलिए मैं देख रहे सो 5 साल के पीरियड में वो तजुर्बे का यूज़ कर लिए निकाल दिए। अब जो पंचायत में रह के जो हमको मालूम होना चाहिए था जी, वो माशाल्लाह 90% मालूम हो गए, ऐसा मालूम ये पीरियड ख़त्म हो गया
इंशाल्लाह आगे वो जो 10% बचे हैं इंशाल्लाह वो भी पूरे करने की कोशिश करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि आपके जो दर्शक देख रहे हैं आपकी बात से, आप हम लोग उन तक भी ये पहुंचाना चाह रहे थे खबर कि सिर्फ आप ही से, मतलब हमारा जरूरी नहीं कि आपके पास ये बात करें, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एजुकेटेड एंड टैलेंटेड पर्सन सामने आए। पहले भी बता दिया आपको ये बात, तो इसी तरह अब जो आने वाले इलेक्शन में अच्छे बहुमत से अगर दोबारा आपको सरकार इस बार मिल जाए तो हम भी उम्मीद करते हैं और दर्शक भी उम्मीद कर रहे हैं जो आपके एरिया के हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट आए अपने एरिया में। लेकिन यहाँ पे एक मुझे खुशी भी महसूस हुई, जो हम लोग कहीं छोटे मोटे जो ताल्लुका में जाते हैं उस तरह का माहौल है यहाँ के आपके ग्राम में। ये हेलीकेट भी हमें ग्राम की तरह लगा ही नहीं। जब मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया, मैं खुद आपके जो एक ग्राम पंचायती मेंबर भी हैं और सदस्य भी हैं और उनके धर्मपत्नी तालुक पंचायती सदस्य भी हैं, ख्वाजा मियां की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे मैंने यही कहा ये सचमुच ये ग्राम है या तालुका है, इतना तो डेवलपमेंट हुआ है, मार्केटिंग है। इसके बारे में अभी अभी हमारे एमएलए साहब राजशेखर पाटिल साहब जो है ना ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं हेलीफेड को ग्राम पंचायत के लिए। अच्छा अच्छा, मोस्टली अभी कुछ चल रहा है वो होली के चांसेस ग्राम पंचायत हमारे 15 मेंबर मानता है सामने। लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे तो चिटकुपा भी आपकी एक ग्राम की तरह है। नहीं नहीं, वहाँ पे टाउन पंचायत हो चुकी है। जी जी, टाउन म्यूनसिपल है, टाउन म्यूनसिपल है। लेकिन आप उससे ज्यादा यहाँ पे उरुजी है देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्या आप लोग इसके पीछे? नहीं, हमारा एरिया देखिए पिछले 10 साल जाइए तो यहाँ पर रिजर्व था जी। ये सेकंड टाइम हमारे राजशेखर पटेल साहब एमएलए बन चुके हैं। ये विश्व कॉन्स्टिट्यूंसी को आता था, हमनाबाद को नहीं आता था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस वजह से हमारा एरिया डेवलप नहीं हुआ था। जब हमारे राजशेखर पटेल साहब जब यहाँ एमएलए बने, जब से अब तक तकरीबन नहीं, एरिया तो डेवलपमेंट हुआ है हमें तो जी। अभी आप डेवलप देख रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं था। रिजर्व जब था ना कुछ भी नहीं था। अब जो रोड्स बने ना, पशु वगैरह हर चीज पूरा डेवलपमेंट, हाईवे को भी जमता है क्योंकि यहाँ से बीदर को अक्सर बसें जाती हैं। आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उमनाबाद ताल्लुक से जब बीदर को जाया जाता है, आपके रोड से गुजरना होता है बसों को। जी जी, तो ऐसी जगह पर और ज्यादा डेवलपमेंट आके इसको ज्यादा से ज्यादा टाउन म्यूनसिपल पंचायत बना ये बना दें, टाउन म्यूनसिपल बना दें यहाँ पे, तो और ज्यादा फलाव बहबूदि के लिए तरफ आप लोग निगाह डाल सकते हैं। हमारे जो एमएलए साहब आए हैं, 5 साल का पीरियड तो हुआ, ये नेक्स्ट ईयर पीरियड चल रहा होगा, इतने पैसे दिए यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, रोड वगैरह जो भी भवन है, सब समुदाय भवन है, रोड्स है, पानी के लिए 7.5 करोड़ रुपये का ये यहाँ पर मल्टी विलेज का स्कीम डाला है। और अब ऑलरेडी यहाँ पर 2 रोड जो मेन है नागना क्रॉस से यहाँ भर चला 1 करोड़ का हुआ है, फिर यहाँ पर डाकुड़ भी बोल के बाद हमारे बिहार है वहाँ पर 1 करोड़ का ओपनिंग कर पसंद है, और यहाँ पर हलीफे में यहाँ पर बशेश्वर को अम्बेडकर चौक वो भी 1 करोड़ का काम हो गया। अच्छा, तकरीबन काम है यहाँ पर हमारे शासक जो हमारे एमएलए साहब है अहमदाबाद के राजशेखर पाटिल, हलीफे को बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत बहुत काम करे हैं, ज़्यादा सजाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, और जो भी काम हम लेके जाते हैं उनके पास नहीं है बोले जी। मैं समझता हूँ साहब तो अब एमएलए है, अगर मिनिस्ट्री अगर खुदा अल्लाह ताला अगर मिनिस्ट्री दी है उनको तो हलीफेड हलीफेड नहीं रहता, हलीफेड शहर बनता है, शहर बनता है, मैं ऐसा समझता हूँ। और हमारे हाईकमान से आपकी तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करे बेशक, ताकि हम भी चाहते हैं कि हर जगह पर डेवलपमेंट आए। मैं हमारे हाईकमान से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं भी एक तालुका कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हूँ जी जी, मैं हाईकमान से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे राजशेखर पाटिल बी पाटिल साहब को मिनिस्ट्री देकर उनको मिनिस्टर बनाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होता है जो हमारे गाँव और हमारे तालुका अहमदाबाद बीदर डिस्ट्रिक्ट पूरा है पूरा कर्नाटक डेवलप करे। बहुत बड़ी बात आपने कहा, बहुत अच्छे तरीके से आप संदेश भी दे रहे हैं। जी जी, सरकार को विनती है हाईकमान से जितने हमारे राजशेखर बी पाटिल साहब अहमदाबाद को मिनिस्ट्री दे और उनको तरक्की दे, डेवलपमेंट करने की। बहुत अच्छी बात आपने बताई, आज तक के बहुत सारे इंटरव्यूज में हम लोग गए थे, अक्सर खुद डेवलपमेंट वाली बात करते थे हमारे से, लेकिन आप पहले शख्स हैं जो आपने अपने सीनियर की डेवलपमेंट के लिए कुछ दुआ भी मांग रहे हैं और दूसरा सरकार से एक निवेदन भी कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत खुशी मिली हमें। तो चलिए, वक्त की कमी मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा वक्त की कमी रहने की वजह से मैं अपने सवाल की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ। ये सारी मालूमात आपको पहले बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि आपने खुद बताया समझने में मेरे पूरे 5 साल लग गए इसमें, सही बात है, लेकिन सोशल वर्क करने में तो आपके 17 साल वैसे तो पहले भी गुजर चुके हैं, 17 साल से तो आपको पॉलिटिकल कैरियर में आने से पहले भी लोगों की खिदमत करते आ गए थे, लेकिन इसमें जैसे आप पॉलिटिकल कैरियर में आके ग्राम पंचायत मेंबर बने, तो ये कामकाज के बारे में आपको कोई समझाने वाला
या कोई तरीका बताने वाला, ऐसा काम नहीं बेटा ऐसा करना है, नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा साहब, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दिखाने वाले आपके दिल से आप किसी को उस्ताद मानते कोई शख्स ऐसा है? जी देखिए, हनीफे में पॉलिटिशियन में मेरे उस्ताद बोले तो मानते हैं एस गुप्ता, बेसिकली दो बार ग्राम पंचायत मेंबर हो चुके हैं, एक बार तालुका पंचायत मेंबर और अध्यक्ष जी, और अब जेपी मेंबर है, प्रेजेंट इफ्को के चेयरमैन है जी, वो मेरे हनीफेड़ के मार्गदर्शन वही है, नेता है, दिल से उस्ताद जी, दिल से उस्ताद है, वो एक मानते हैं या और कोई आपकी जिंदगी में? वो हमारे राजशेखर बी पाटिल साहब, इस्लामाबाद के हमारे शासक, जो है पॉलिटिकल करियर के हो या जो भी हमारा मार्गदर्शन, जो भी हमारे गॉडफादर, मतलब जो कमांड है, कमांड है राजशेखर जी पटेल साहब हमारे मेरे साहब, अच्छा अच्छा, जो भी मार्गदर्शन देना है उनके हम मार्गदर्शन पर चलते हैं। जैसा कि वो कोई आपको कुछ सलाह वगैरह दिए हुए? जी जी बिल्कुल, उनके सलाह पर बताना चाहेंगे कि एक दो सलाह उनकी जो आप जो अमल कर रहे हैं आप करना चाहते नहीं उनके सामने दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये सवाल एक्चुअली हम करते वक्त हम अपने आप को बहुत अफसोस और दर्द महसूस करते हैं, मैं ये महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लेडीज़ के बारे में, खुवातीन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक अचानक से हमारे हिंदुस्तान में एक नई दौर, एक नई बीमारी एक नए दौर में शुरू हो चुकी है, ये करीबन पहले के है, एक आपको टीवी माध्यमों में भी देखते होंगे, टीवी न्यूज़ में या रेडियो न्यूज़ में हो या इंटरनेट माध्यम या कहीं पेपर न्यूज़ के ज़रिए भी आप पढ़े होंगे कि लड़कियों पर अत्याचार, दौर्जन्य, जो आक्रमण जो कहते हैं, जो ज़्यादतियाँ उनके ऊपर, रेप केसेस वगैरह जो अभी अभी शुरुआत हुई है, ये पहले हमें सुनने में मिलते थे बाहर कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में हुआ करती थी, हम कभी सुनते थे ऐसा होता था, अमेरिका में ऐसा हुआ, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों को ताज्जुब लगता था, लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ रहा, हम अपने देश में भी ये न्यूज़ आप लोग भी सुने होंगे, हम लोग दिखा रहे हैं, हमारे सारे माध्यमों वालों ने इस चीज़ को बाहर ला के दिखाया जा रहा है, या एक्चुअली ओरिजिनल रीज़न क्या है कि हमारे देश में ये बीमारी आई कैसे, क्या इसका कोई सरकार की बंदोबस्त ना सही नहीं लेने की वजह से, यानी कि कोई सरकार सही से नहीं चला पा रहा है तो इसकी वजह से ये बीमारी फैली, या कोई पुलिस की बिगी बंदोबस्त यानी उनके कठिन ये नहीं है जिसकी वजह से, या आपकी सोच इसके बारे में क्या कहना चाहती है? देखिए, पहला सवाल आपका सरकार, दूसरा सवाल है आपका पुलिस। जी जी, मैं आपको पहले सवाल के बारे में बताना चाहता हूँ, सरकार किसी भी रंग, चाहे कांग्रेस रंग है, चाहे बीजेपी रंग है, चाहे बीएसपी रंग है, आम आदमी कोई भी पार्टी रंग है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि बलात्कारी का केस, ये केस, वो केस उसके पीरियड में हो, पीरियड में हो, ये कोई भी नहीं चाहता जी। रही बात दूसरी, पुलिस, पुलिस को ये नॉलेज नहीं है कि वहाँ पर बलात्कार हो रहा है, वहाँ पर अत्याचार हो रहा है या फलाने जगह कुछ हो रहे, कोई भी हादसा होता है तो पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन तो हादसा होने के बाद मिलती है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बात। तीसरी बात यह है कि मेरे तरफ से ये आखिर रीज़न क्या है, फिर कहाँ से आई है बीमारी, आपकी क्या सोच क्या कहती है? ये मेरी सोच ये है इसके बारे में कि आजकल जो माहौल चल रहा है जी, जैसा कि टी वी है, फिल्म है, सीरियल है, जो इसका बेसिकली जाता है घर वालों के ऊपर, जो घर में माँ बाप, बहन भाई जो भी रहते हैं, अपने लड़की होंगे, माँ होंगे, बहन होंगे, उनको एहतियात करना उनका काम होता है फर्स्ट। जी जी, जैसा कि आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे तरीके से एहतियात करें? अब टीवी है, सीरियल है, पिक्चर है, मूवी जो भी देख रहे हैं आजकल, वो जो देख के कॉपी करने जा रहे हैं, ड्रेसिंग है, वो माहौल है, सोसाइटी, जैसा कि फैशनेबल ड्रेस डालने के बाद हम एक हाईली क्वालिफाइड सोसाइटी के ताल्लुक रखने वाले, ऐसा जो सोच रहे ना, ये जब ये सोच है आदमी की चेंज होना चाहिए, ये माशरा ही चेंज होना, माशरा चेंज होना फर्स्ट क्या है, किसकी नज़र कैसी है हम निर्वाह बोल सकते हैं? नहीं सर, जब हम बाजार में निकलते हैं या मार्केट में निकलते हैं या कहीं कॉलेजेस जाते हैं, कहीं स्कूल जाना चाहते हैं या कोई फंक्शन जा रहे हैं, तो अपना बदन क्या है, अपन पूरा फुल अच्छी तरह से ढक दे, किसी की नज़र ये नहीं हो सकती, किसी की अच्छी भी रहती है, किसी की बुरी बुरी भी रहती है, ये भी हो सकता है, पहले फर्स्ट एहतियात अपना अपन करना चाहिए कि हम है ना, ये घर में हमारे बड़े जो भी बुजुर्ग है या भाई है, बाप है जी,
शोहर है जो भी है अपने औरतों को एहतियात के लिए ऐसे ड्रेसेस वगैरह ना पहनने देना। मैं समझता हूँ बेसिकली यही है वजह जो ये बीमारी फैल रही है। अच्छा अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि उन माँ बापों की गलती इधर सामने आती है कि वो अपने बच्चों को पहनने ओढ़ने पर निगाह नहीं है। निगाह होना चाहिए और उनके टाइमिंग के ऊपर पाबंदी रखना चाहिए। स्कूल क्या टाइम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कब, बहुत अच्छी बात बताई आपने, कौन से दोस्त में बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, पूरा उसके बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी बिल्कुल पहन के क्या जा रही है, पहन के क्या आ रही है, सब आजकल के माहौल में ऐसा हो गया किसकी जिंदगी में बिजी हो गए, ना बेटे बाप की फिक्र करा ना बेटा जी आज की फिक्र करा। बिल्कुल बिल्कुल, ये घर वालों का ही मसला है, कोई सरकार कोई पुलिस ये सब क्या है कुछ नहीं कर सकती मुझे। इसलिए मैं हिंदुस्तान कर्नाटक के हिंदुस्तान के सारी दुनिया की माँ बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो भी अपने कल्चर है या अपने रिलीजियस है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। कोई रिलीजियस ये नहीं बोलता है कि भाई अपना बदन ऐसा रखो अपना बदन ऐसा दिखाओ करो, दिखाओ करो। जो भी माँ बहनें हैं जो भी औरतें हैं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने रिलीजियस के एतबार से जी अपने बदन को ढांप कर जो जितना हो सके जितना हो सके उतना अपनी कुछ सोच को भी सोच के बदले। ये नहीं सोचे कि बड़े बोल रहे हैं तो हमने बुरे के लिए बोल रहे हैं। ये कल्चर ये जो माहौल ये सोसाइटी ये सब हमारे हमारे हिंदुस्तान की औरतों के लिए नहीं है। यहाँ का जो हिंदुस्तानी और देखिए सर यहाँ पे एक मैं एक मकसद से आपको ये भी बात बता दूँ, हमारा हिंदुस्तान ऐसा एक कंट्री है, सारे कंट्रीज के मुकाबले है हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो हम भारत को भी माता कहते हैं जी, कर्नाटक को भी माता कहते हैं, भूमि को भी माता कहते हैं। यहाँ एक औरत का खिताब दिया जा रहा है, माता का मतलब माँ होती है, माँ का काम माँ होती कौन है, औरत। सही बात है, ऐसे देश में ये नालायक लड़के ही सही या लड़कियाँ ही सही अपनी गलतियों की वजह से खानदानी तबाह हो जाती है। और ये पर्टिकुलरली औरतों की गलती नहीं बल्कि मर्दों की भी कहीं है, वो भी सोचना चाहिए अपने माँ बहनें हमारे माँ बहनों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये सब सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से आपने एक माहौल क्रिएट करके बताया है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो में जो आपकी बात सुनेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में एक अवेयरनेस आएगा, डेवलपमेंट आएगा, अपने कल्चर को समझ के चलने की बात चल किए हैं आप एक बड़े अच्छे अंदाज में सजा की बात किए हैं, किसी का दिल तोड़ के हुए नहीं। और साथ ही साथ आपने अपने काम के कांच के बारे में भी दर्शकों को और हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे इसके जरिए दर्शकों तक आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझा के बताया है कि काम किस तरह से हो रहा है और किस तरह करना बाकी है और करना है तो अब क्या क्या करना बाकी है, ये सब सारी बातें आपने बताया। और इसके साथ साथ आप उन लोगों का शुक्रिया भी अदा कर दिया बातों बातों में, लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि आपने क्या खुशखबरी से दी है कि आपके दो उस्ताद हैं जो एक ZP मेंबर और एक MLA यहाँ के, इन दोनों का शुक्रगुजार भी आपने शुक्रिया भी अदा कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से भले सलाहियत के साथ आपसे बातचीत की, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया वक्त बहुत कम है तो हमारी यहाँ बातचीत को यहीं पर ख़त्म करने के लिए आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ। इंशाअल्लाह हम लोग चाहते हैं कि आपसे और कभी मुलाकात करें, और ज्यादा इसके बारे में है लेकिन वक्त की कमी की वजह से वही तो मैं बता रहा हूँ, आप जितना हो सके आपके अपने कोई ख्याल हमें मेल के जरिए पहुँचाएं, हम लोगों को पहुँचाते रहेंगे। ये बात आज यहाँ की एक इंटरव्यू जो के जरिए ही नहीं बल्कि आप अपनी लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन लिख के हमें मेल के जरिए भेजें, हम आपका इस मेल को आपके एक politiciansinindia.com ऑनलाइन पब्लिशिंग के जरिए उन लोगों तक पहुंचाएंगे, हर वो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात हर घर तक पहुंचेगी। ओके, हमारी बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हुए दर्शकों की तरफ से और हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया की तरफ से आपको अभिनंदन कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वीक्षक करता हूँ केली भीतर जिले या हमनाबाद तालुके ना हलकेट भी ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಯೂಸುಫ್ನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.